राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक महीने में आने वाली गोप अष्टमी के दिन किस प्रकार पूजा करें और गोप अष्टमी का महत्व क्या है। बंधुओं, कार्तिक महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोप अष्टमी कहा जाता है। गोप अष्टमी के पावन पर्व पर गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता की परिक्रमा की जाती है। बंधुओं, गोप अष्टमी को गोप अष्टमी क्यों कहा जाता है, अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी। बंधुओं, गोप अष्टमी के दिन गौओं को स्नान करवाया जाता है और फिर गंध पुष्प आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को गोग्रास देकर उनकी परिक्रमा की जाती है। थोड़ी दूर तक उनके साथ जाने से सब प्रकार के अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं और अभीष्ट की सिद्धि होती है। गोपाष्टमी के दिन सायंकाल गायें चरकर जब वापस आती हैं तो उस समय भी उनका आतिथ्य, अभिवादन और पंचोपचार पूजन किया जाता है। गायें माता को कुछ खिलाया जाता है, उनकी चरण रज को मस्तक पर धारण किया जाता है। ऐसा करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। बंधुओं, गोपाष्टमी का उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन गौशालाओं में मेला सा लग जाता है, गौ कीर्तन यात्राएं निकाली जाती है। यह घर घर व गांव गांव में मनाए जाने वाला उत्सव है। इस दिन गांव में भंडारे भी किए जाते हैं। बंधुओं, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से सप्तमी तक गायों तथा गोपियों की रक्षा के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। आठवें दिन इंद्र अहंकार रहित होकर भगवान की शरण में आए। कामधेनु ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उस दिन भगवान का नाम गोविंद पड़ा। इसी समय से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा। बंधुओं, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। बंधुओं, गोपाष्टमी के दिन गो रक्षा का संकल्प ले, गो हत्या का कड़ा विरोध करें। किसान गाय, बछड़ा, बैल आदि को बेचे नहीं। दूध ना देने वाली गाय अथवा बूढ़ा बैल जितना घास खाते हैं उतना गोबर और गोमूत्र के द्वारा अपना खर्चा निकाल देते हैं। हर व्यक्ति को केवल गाय के ही दूध घी का उपयोग कर गो सेवा में कम से कम इतना योगदान अवश्य देना चाहिए। बंधुओं, गोपाष्टमी 2021 में 11 नवंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार सप्तमी तिथि का क्षय है। इसलिए अष्टमी तिथि 11 नवंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। बंधुओं, गोप अष्टमी पर गौ माता की पूजा करें, गौ माता की सेवा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। गौ माता को हरी घास खिलाएं, गुड़ खिलाएं, रोटी खिलाएं और गौ माता के चरणों की धूली अपने माथे पर जरूर लगाएं। गौ माता की परिक्रमा करें और गौ माता के पीछे उसकी पूछ पकड़कर 7 कदम चलें। गौ माता को धूप, दीप, अक्षत, रोली, गुड़ आदि से पूजा करें। गोपाष्टमी के दिन गवालों को दान देने का भी बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, गौ माता को स्नान कराने के बाद गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी और रंग के छापे से उन्हें सजाएं भी। बंधुओं, गौ माता की सेवा से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भी कार्तिक मास में गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करते हैं, वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं और उन्हें अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।